पीढ़ी के बंडल के लिए मनाने के लिए आपको उठना है। थोड़ी छुपे तो कर सकते हैं, क्योंकि एक कोई लत लग जाती है, कोई बीमारी लग जाती है तो एकदम तो नहीं जाती, धीरे 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 कम होती है। तो जब ये बात आप कर रही है तो धीरे धीरे वो छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। क्या आप लोग कर सकते हैं ना? यस और नो? पापा हुए, बड़ा भाई हुआ, या फिर ताऊ चाचा कोई भी है, अगर वो ये आदत अपनाते हैं सिगरेट शराब धुआं मतलब जो भी है, तो आप उनको रोकिए। अगर आपसे कोई ये कहे कि हम ये अपने पैसों से पी रहे हैं, इसका आपको क्या जाता है, तो आप उसे ये कहिए कि मान लीजिए आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, तो आप क्या गारंटी देते हैं कि आपकी इस आदत से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचे? आप चला रहे हैं शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, आपका बैलेंस बिगड़ा, मालिक सामने आपकी कोई सवारी है, कोई जो है राह चलता व्यक्ति, तो आपकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी जान से हाथ धोना बैठ रहा हो, जान से हाथ धो बैठ सकता है, तो उससे क्या है कि आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, आप उसके साथ साथ अपने देश का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने आए दिन अखबार में पढ़ा हुआ कितने ही बच्चे जो हैं एक्सीडेंट में मर जाते हैं, है ना? तो क्या है, उसका लापरवाही होती है। तो हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम लोग अपने घर में, अपने आस पास के लोग हैं हमारे गले का, मुंह का कैंसर होता है, इसमें हमारा इतना पैसा भी लग जाता है, फिर भी कभी कभी जान ही बचती है, तो इन आदतों को आप लोग नहीं अपनाएं, सिगरेट शराब। देखिए ये एक अच्छा सरकार का प्रयास है और ये इस तरफ हमें उचित कदम उठाने चाहिए। जो बढ़ता हुआ है एक तंबाकू का सेवन करना है, तंबाकू उत्पाद का सेवन करना, इसकी रोकथाम होनी चाहिए और ये हम लोगों का प्रयास एक अच्छा प्रयास है और इस तरफ हम लोग अच्छा बच्चों को शिक्षित करके या उनको प्रशिक्षण दे करके इसको रोग से मुक्ति मिल सकती है। जो हम लोग तंबाकू के कारण बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती है, कैंसर है और तरह के पेट की बीमारियाँ हैं, गले की बीमारियाँ हैं, बहुत सारी बीमारियाँ इससे सेवन से होती हैं, इसको हमें रोकना, इससे अगर हमें बचना है तो हमें तंबाकू के उत्पादों से के सेवन से रोकना है।